हमारे देश का शेयर बाजार ग्लोबल बाजार से आउट परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हमारे भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन बाकी देशों की तुलना में काफी बेहतर है। तभी तो देश में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। असल में मई महीने में कितने डीमैट खाते खुले हैं, उनका आंकड़ा सामने आ गया है। अब यह आंकड़ा कैसा रहा और इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर होगा, ये सारी बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। असल में मई महीने में देश में 20,10,000 डीमैट खाते खोले गए। ये आंकड़ा पूरे 3 महीनों के बाद आया है। ये आंकड़ा अपने आप में इतना खास है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मई महीना इस साल का अभी तक का सबसे ज्यादा डीमैट खातों वाला महीना बन गया है। अब आंकड़ों से इस गणित को समझिए। मई में डीमैट खातों के खुलने की स्पीड में बढ़ोतरी देखी गई, यानी पिछले महीने की तुलना में मई महीने में 1.8% की वृद्धि के साथ 118.16 मिलियन डीमैट खाते खोले गए। वहीं अगर इसकी तुलना इसके पिछले साल के समान महीने से की जाए तो इसमें 25% का ग्रोथ दिखेगा। अब देश में डीमैट खातों की संख्या क्यों बढ़ रही है, ये जान लीजिए। मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार अमेरिका और चीन जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, ये जान लीजिए। अमेरिका के S&P 500 ने जहां एक साल में निवेशकों को सिर्फ 3.70% का रिटर्न दिया है, वहीं भारत का शेयर बाजार यानी निफ्टी 50 ने मात्र एक साल में 12.02% का बम्पर रिटर्न दिया है। अब आइए चीन के बाजारों पर। चीन का SSE कॉम्पोजिट इंडेक्स यानी शंघाई इंडेक्स ने भी एक साल में 1.43% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब स्वाभाविक है कि जहां लोगों का पैसा बनेगा वहीं लोग अपना पैसा पार्क करेंगे। इस वजह से भारतीय शेयर बाजार पर देश ही नहीं दुनिया भर के निवेशक बुलिश हैं। अब आइए डोमेस्टिक फ्रंट पर। यहां के बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ रही है। लोग जमकर अपने पैसे को भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव भारतीय शेयर बाजार लग रहा है। इसके अलावा IPO बाजार और सेकेंडरी मार्केट में भी भारतीय शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो और देश का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी अहम रोल है। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ब्याज दरों पर स्थिर रुख रहने के कारण शेयर बाजार में तेजी जारी रहेगी और इसका स्टॉक मार्केट पर अच्छा असर देखा जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में ब्याज दरों में कमी हो सकती है, इसे डिपॉजिट रेट्स में कटौती हो सकती है, तो लोग डिपॉजिट के तमाम ऑप्शंस यानी बैंकों में पैसा रखने से बेहतर शेयर बाजार में इन्वेस्ट को बेहतर ऑप्शन मानेंगे। इन्हीं सब अनुमानों और वजहों से आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए डीमैट खातों को खुलवा रहे हैं।